एक बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, कुरुक्षेत्र से पेहुआ उपमंडल के गांव टीकरी के पास एक्सीडेंट, NH 152 पर दो कारों की हुई टक्कर और एक्सीडेंट में एक महिला की मौत और 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, NH 152 पर दो कारों की हुई टक्कर, एक एक्सीडेंट में महिला की मौत और 7-10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र NH 152 पर दो कारों की टक्कर हुई है और इस भीषण हादसे में एक महिला की मौत हो गई और 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक्सीडेंट में एक महिला की मौत, 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पेहुआ उपमंडल के गांव टीकरी के पास ये एक्सीडेंट हुआ, NH 152 पर दो कारों की भीषण टक्कर और हादसे में एक महिला की मौत, 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र पेहुआ उपमंडल के गांव टीकरी के पास ये हादसा हुआ, NH 152 पर दो कारों की भीषण टक्कर हुई और एक्सीडेंट में एक महिला की मौत, 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र पेहुआ उपमंडल के गांव टीकरी के पास हादसा हुआ, NH 152 पर दो कारों की भीषण टक्कर हुई और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ राजीव अरोड़ा जुड़ चुके हैं। राजीव, पेहुआ उपमंडल के गांव टीकरी के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? वहाँ पर जो है ये हादसा हुआ है, जो कि जो सड़क पर कुछ आवारा पशु बैठे थे, जिसकी वजह से जो है दो कार जो है आपस में टकरा गई, जिसमें कि एक महिला की मौत हुई है और 10 लोग जो है इसमें टोटल हुए हैं। इसके बाद जो है घटना के बाद जो है पुलिस मौके पर पहुंची है और जो घायल है उन्हें अस्पताल भिजवाया गया है, जहाँ उनकी हालत जो है स्थिर बताई जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है रफ्तार के कहर के साथ साथ जो गौवंश या जो आवारा पशु है उनका जो कहर जो है वो इस घटना का, दुर्घटना का जो है मूल कारण माना जा सकता है, कहा जा सकता है। पुलिस का कहना है कि इस बारे में जो है व्यवस्था कराई जाएगी कि आगे से जो है इस तरह के हादसे ना हो, इस तरह की घटनाएं ना हो, उन पर जो है रोक लगे। तो कहीं ना कहीं इसके लिए प्रशासन को कहा जाएगा कि जो इस तरह से जो ये हाईवे है यहाँ पर जो है आवारा पशुओं से जो है उनको निजात मिलनी चाहिए। लेकिन जो जिस तरह से जो है एक महिला की मौत हुई है और 10 लोग घायल हुए हैं, तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं जिंदगी भर का जो है सबक, जिंदगी भर की जो है परेशानी रहेगी। जी राजीव अरोड़ा, बात की जाए, भीषण सड़क हादसा हुआ है और एक महिला की मौत हो गई है और जबकि 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं, तो ऐसे में घायलों की क्या स्थिति है अभी? देखिए, जो घायल थे उन्हें जो है अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन सभी जो है 11 घायल थे, लेकिन उसमें जो है अस्पताल पहुंचते पहुंचते एक महिला की जो हालत गंभीर थी वो जो है अस्पताल में जो है दम तोड़ गई और जो बाकी जो 10 घायल हैं उनकी जो हालत स्थिर बताई जाती है। ये डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, उनसे बात हुई है, उनका यह कहना कि ये इन घायलों की जो है हालत स्थिर है और जल्द ही जो है उन्हें उपचार के बाद जो है वो घर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन जो जिस तरह से ये हादसा हुआ है, जिस तरह से जो ये आवारा पशुओं की वजह से जो ये हादसा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बड़ा सबक है कि आगे से इस तरह की घटनाएं ना हो, तो उसके लिए जो है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। जी राजीव अरोड़ा, जैसे कि आपने बताया कि आवारा पशु की वजह से ये भीषण टक्कर हुई है और लगातार आवारा पशु कई हादसों का कारण बनते जा रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन के क्या कुछ इस पर रिएक्शन आया है, क्या कुछ संज्ञान में ये मामला प्रशासन के आया है? जी देखिए, बिल्कुल प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी बात हुई है जी। उनका ये कहना है कि इस तरह से यदि आवारा पशुओं की वजह से ये हादसा हुआ है तो एक बेहद ही संवेदनशील मामला है और इस पर जो है आगे से रोक लगाई जाएगी, आगे से इस तरह की पुख्ता बंदोबस्त किए जाएंगे कि आवारा पशु जो है वो सड़कों पर ना आए, वो हाईवे पर ना आए और इस तरह की जो घटनाएं हैं ना हो। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है इस बात की अब गारंटी दे रहा है कि आगे से जो है इस तरह की घटनाएं ना हो, इस पर जो है इसके लिए पुख्ता बंदोबस्त किए जाएंगे। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि प्रशासन जो है ये दावे और वायदे कर रहा है, तो क्या अपने दावों वायदों पर खरा उतरता है या इस तरह से जो है आगे भी हादसे होते रहेंगे? जी राजीव अरोड़ा, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। ये रात 10:30 बजे की घटना है। अम्बाला की तरफ से पेहुआ जाने के लिए दो गाड़ियां चली हुई थी,
यहाँ पे रहता है गांव में अंधेरा, टीकरी गांव में गायें खड़ी रहती हैं बहुत ज्यादा और हर रोज यहाँ पे हादसे होते रहते हैं। अगली गाड़ी के सामने आ गई गाय और पिछली दोनों को रोकने की स्थिति में जब अपना ड्राइवर नियंत्रण खो बैठे और आपस में टकरा गए। जब गाड़ियां टकरा गई तो पलटे खाते हुए नीचे सड़क से नीचे उतर के पेड़ों में आ पड़े और यहाँ पे बहुत इसमें दोनों गाड़ियों में 11 व्यक्ति थे। बस हम तो प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहूँ जी, अगर हमारे यहाँ को गांव में सर्विस लाइन होनी चाहिए, नंबर 2 ये लाइट का प्रबंध होना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो एक सर्च लाइट बड़ी वाली लग जाए, उससे हमारे गाँव को बहुत फायदा होगा। और एक अंडरपास जरूर होना चाहिए, सभी गाँव में अंडरपास बन गया है।